हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ चंडीगढ़ शताब्दी ट्रेन लेके। फिलहाल अभी बजे 3 और मेरी ट्रेन है 5 बजे। तो अभी 2 घंटे कैसे रेलवे स्टेशन पर टाइम पास करें और यहाँ पर जो लाउंज है वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगा। और इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा दिल्ली से चंडीगढ़ शताब्दी ट्रेन की जर्नी कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अभी फिलहाल चलते हैं रेलवे स्टेशन पर। जो लाउंज होता है, जैसा कि IRCTC का लाउंज है यहाँ पे, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं अंदर और अपने लाउंज के एक्सेस कैसे लेते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब आप आएंगे तो आपको दोनों प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे एक एक लाउंज मिल जाएगा। तो फिलहाल 16 नंबर वाला अजमेरी गेट और पहाड़गंज की तरफ, दोनों तरफ जिस भी तरफ से आप एंट्री लेंगे या एग्जिट लेंगे दोनों तरफ आपको लाउंज मिलेगा। तो फिलहाल अजमेरी गेट की तरफ वाला तो फुल था, अभी मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो लाउंज है उसमें जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको SBI का IRCTC का क्रेडिट कार्ड चलता होगा, नहीं तो आपको 325 रुपये पे करके एंट्री लेनी पड़ेगी। और उसके अंदर आपको पूरा बुफे मिलेगा, सब कुछ खाना पीना जो भी होगा, रेस्ट कर सकते हैं, AC में आप बैठ सकते हैं, 2-3 घंटा वेट कर सकते हैं। वो सब मैं आपको अंदर जाके दिखा दूँ क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पर मिलती है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहाँ पे आपको 20 रुपये घंटे के देके AC वेटिंग हॉल मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेटफॉर्म पर बैठ सकते हैं। और अगर आपको प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठना है, IRCTC के लाउंज में जाना है, तो वो मैं दिखा दूँ, वो भी आपको मिलेगा। उसके अंदर आप 325 रुपये देकर एंट्री ले सकते हैं। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ IRCTC वाला लाउंज। यह है कुछ यहाँ की मेन एंट्री, प्लेटफॉर्म नंबर 1। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंट्री लेंगे तो राइट में जीना है, उससे ऊपर चढ़ के ये लाउंज आपको मिलेगा। और जगह जगह ये बोर्ड लग रहे हैं, इसको पढ़ के आप जा सकते हैं IRCTC के एग्जीक्यूटिव लाउंज। और जैसे आप लाउंज के अंदर आएंगे यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा और डिनर भी मिलेगा। सबके प्राइसेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपके पास IRCTC का कार्ड नहीं है तो आप इन प्राइस को पे करके भी यहाँ की फैसिलिटीज ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ था IRCTC का लाउंज। अभी मैं वापस से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गया हूँ खाना वाना खा के। अभी अपनी ट्रेन का वेट करते हैं और चलते हैं चंडीगढ़ की तरफ और बाकी मैं दिखाता हूँ ट्रेन में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। तो अभी ट्रेन के आने का टाइम हो गया, 1 पे अपनी ट्रेन आएगी। तो मेरी ट्रेन का डब्बा है C2, 12:05 में C2 के पास पहुँचा हूँ, सामने C2 वाला डब्बा आएगा, तो ये पहुँचने ट्रेन के अंदर। और ये अपनी ट्रेन आ गई है दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस। और ये है न्यू दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस। और ऐसी कुछ इसमें अंदर सीटिंग लगी हुई है, 3x2 की सीटिंग लगी हुई है। उसके अंदर रिक्लाइनर सीट्स हैं और सभी सीट पे आपको न्यूज़पेपर मिलता है जब भी ट्रेन में आप बिल्कुल नए एंट्री लेते हैं। तो ऐसा कुछ इसका कंपार्टमेंट है। अभी मैं सबसे पहले एंट्री ले लिया तो मैं आपको अंदर से दिखा दूँ। और मैंने ये बीच वाली सीट बाय लक मुझे मिल गई थी, इसमें आपको पूरी टेबल मिलती है अपनी सीट के सामने जिस पर आप रख के खाना खा सकते हैं और बैठ सकते हैं। और अगर आपको अपना काम भी करना है तो वो भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये टेबल आपको मिलती है। और जैसे ही आप ट्रेन में आके बैठते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पे चाय नाश्ता मिलता है। उसके अंदर आपको समोसा मिलेगा, एक नमकीन का पैकेट मिलेगा, एक मिठाई का पैकेट मिलेगा और एक चाय भी मिलेगी और सैंडविच भी मिलेगा, सब कुछ मिलता है नाश्ते में। और जब तक आप नाश्ता खा के व्यू का एंजॉय करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका सफ़र कब ख़त्म हो गया है। बाहर इतना अच्छा अच्छा इतना सुंदर सुंदर व्यू आता है इसमें, क्योंकि इसकी खिड़की बहुत बड़ी है और आप इसको पर्दा हटा देंगे तो पूरा बाहर का पूरा बहुत अच्छे से व्यू दिखेगा। और आप व्यू का एंजॉय लेते लेते चलते हैं। अभी हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है पानीपत जंक्शन पर, यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है और इस गाड़ी के अंदर फिर आपको पानी की बोतल दी जाती है। और फिर जैसे ही आप व्यू का एंजॉय करते करते चलते हैं आपका सफ़र बड़ा अच्छा कट रहा होता है। अभी मैं आपको दिखा दूँ उसका बाथरूम कैसा होता है, काफ़ी साफ़ सुथरा टॉयलेट है इसका, ऐसा कुछ ही अंदर से दिख रहा है। ज़्यादा बिल्कुल गंदगी नहीं है इसमें, टिश्यू पेपर वगैरह, हैंड वॉश वगैरह सब कुछ आपको मिलता है अंदर ही। तो ये कुछ है इसका शताब्दी एक्सप्रेस का टॉयलेट। और अभी बाहर जाके बैठते हैं, जैसे ही आप बाहर जाके बैठेंगे थोड़ी देर में आपको खाना मिल जाएगा। ये सब जो भी मिलता है इसमें, ये टिकट के प्राइस में इंक्लूड होता है कि
क्योंकि हम इस शताब्दी ट्रेन का फेयर ही थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल ट्रेन से, तो उसके अंदर खाना लंच डिनर जो भी टाइम हो रहा होगा वो आपको मिलेगा। अभी मुझे खाना मिला है, खाने के अंदर 1-2-3 सब्जी, चावल और रोटी, पनीर की सब्जी, दाल की सब्जी और सूखे आलू, दही, सब कुछ आपको मिलता है और ये बिल्कुल आपके टिकट के प्राइस में इंक्लूड होता है। जैसे ही आप खाना खा के थोड़ी देर व्यू का एंजॉय करेंगे तो आपके पास आ जाएगी फ्रेश बिल्कुल आइसक्रीम, तो आप पूरे रास्ते खाते हुए जाएंगे। जब तक चंडीगढ़ नहीं आता तब तक कुछ ना कुछ आपको मिलता रहता है खाने के लिए। और अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है चंडीगढ़ में। जब तक हमने नाश्ता किया, खाना खाया, तो हमारी ट्रेन का सफ़र कैसे कट गया हमें पता ही नहीं चला। तो अभी मैं उतर चुका हूँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है, अभी रात का टाइम है, तो अभी बाहर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा जाने के लिए। ये कुछ है हमारी नई दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस और ये कुछ चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी वेटिंग हॉल बना हुआ है, यहाँ भी आपको अगर वेट करना है ट्रेन का वेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये बाहर आ गया हूँ मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के, यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, इस पार्किंग में आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और यहीं से अपने ऑटो कैब वगैरह बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अभी मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई दिल्ली से चंडीगढ़ तक की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।